अलग है वो चीज सही हो, वो पहला प्रैंक मेरे पर ही हो जाएगा। पूरा पैकेट नहीं दूंगा, निकाल दो। अच्छी टेस्ट करेंगे, अच्छी है बिल्कुल, हम देखिए। Assalamualaikum guys, welcome back to a new vlog। हाँ दोस्तों, गाइस भाई आपका भाई आज दोबारा से आ गया एक बार दमदार और धमाकेदार प्रैंक लेके। अच्छा इस प्रैंक का मेरा नाम रखा है फैमिली प्रैंक। आज खाली प्रैंक हीरा के साथ नहीं होना, अहमद के साथ भी होना, काला के साथ भी होना, और अल्लाह करे यार ये प्रैंक सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है जो प्रैंक का हमने जो सेटअप मंगवाया है ना, मैंने एक जगह से ऑर्डर करके, अब वो सेटअप मेरा सही हो। अब मैंने मंगवाया क्या भाई, मैंने ना दराज से एक चीज ऑर्डर करी है। बचपन में हम वो चीजें खरीदते थे, आपने भी खरीदी होगी, मैंने भी खरीदी और मैंने दोबारा मंगवाई है। अब बचपन की चीज जब सामने आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा चीज क्या है यार, दराज से मैंने चीज तो ऑर्डर कर दी, दराज का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बैड है, क्योंकि मेरी जो भी चीज दराज से आती है ना वो बेकार ही आती है, बेकार चीज वो फारिग होती है नहीं वो। तो अब देखते हैं भाई मैंने जो ऑर्डर किया क्या ऑर्डर किया, वो ऑर्डर अल्लाह करे सही हो यार, मेरा प्रैंक जो है ना फैमिली प्रैंक सक्सेसफुल हो जाए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या चीज ऑर्डर करी है। ये चीज मंगाई आपके भाई ने दराज से ऑर्डर करी, चेक करते हैं। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे भाई प्रैंक कर रहे हैं साहब जी, और घर में चीख चीख के बता रहे हैं कि भाई मैं करने के वाला हूँ। अपनी बात सारी है कि भाई शाम का टाइम है, हीरा खाला छत पर है, अहमद नीचे गया हुआ गाय के पास, और ये गंजे मियां मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, ये अपनी रील्स वगैरह देख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या चीज ऑर्डर करी है, क्या मंगाया, अल्लाह करे सही हो यार। चेक करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, इसको निकालते हैं, चेक करते हैं, अल्लाह करे यार सही हो यार, सही होनी चाहिए ये चीज ना, और काम करे, काम करनी चाहिए तो मेरा प्रैंक कामयाब होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, टेडिंग टेडिंग, ये चीज आपके भाई ने मंगवाई है, च्युइंगम शौक, यानी कि ये च्युइंगम जो भी निकालेगा उसको लगेगा करंट, बड़ा VIP वाला करंट लगेगा। सबसे पहले मैं अपने आप पे लगा के चेक करता हूँ कि भाई लग रहा है या नहीं लग रहा है, पहले चेक करता हूँ कि ये काम कर भी रही है नहीं कर रही है ना। अनबॉक्स करें भैया, यार बबल अरे ऐसा ना हो, बहुत हैवी करंट लग गया यार, क्या करूँ, निकाल दूँ, चेक करते हैं। मैं पहले मोबाइल सेट करता हूँ और फिर निकाल के आपको दिखाता हूँ यार ये बबल में करंट लगता है कि नहीं लगता। आ जा भाई, आपके भाई ने कैमरा सेट कर दिया यहाँ पे, और आप चेक करते हैं, पहले ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही करते हैं। शॉक पुल हेयर च्युइंगम भाई आपका भाई, अरे नहीं वो चीज नहीं, तुम जो समझ रहे हो ये वो नहीं है, ये समझ रहा है बबल है, ये काट रहा है दिया। और जब कंफर्म नहीं है कि करंट लगेगा नहीं लगेगा, अगर डायरेक्ट मैंने उससे अप्लाई कर दिया और ये काम नहीं करा है अपने तो फिर बेकार हो जाएगा ना यार, लेकिन अपने आप पे पहले करना पड़ेगा यार। कैसे निकली बड़ा खतरनाक है यार। दोस्तों की स्पीड से दिल भाग रहा है यार, दोबारा ट्राई करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अल्लाह की पनाह है भाई, यार ये बड़ा खतरनाक होने वाला है गाइस, ये यार ये अहमद बर्दाश्त कर लेगा बर्दाश्त, लेकिन बहुत खतरनाक करंट लग रहा है इसमें यार। तो कैमरा सेट हुआ हुआ है भैया, हेरा का मैं ऊपर से बुलाता हूँ, बबल हाथ में रख के बैठूंगा, फिर नियति मुझसे मांगी बबल खिलाएंगे आपको ये वाली बबल करंट वाली ना, और फिर रिएक्शन अल्लाह करे नोट हो जाए यार, बस सही वाले रिएक्शन आ जाए यार। मेरे ख्याल से खाला के साथ करना मुनासिब होगा नहीं, लेकिन हेरा से पूछूंगा, अगर वो कहेगी तो कर लेंगे भाई, करें बुलाता हूँ उसको, देखते हैं कि आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी से नीचे आ जाए और अपनी कार्रवाई शुरू करें यार, और जल्दी से ये प्रैंक शूट हो और मजा आ जाए यार, करंट लगेगा ना बड़ा खतरनाक होगा। मुझे तो अभी इसका इरादा ही लग रहा आने का, ये सुकून से ऊपर हवा में बैठी है, बाहर इंतजार तो करना पड़ेगा, अगर मैंने आवाज लगा दी ना तो उसका 100% शक हो जाएगा कि वकास कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहा है। तो एनीवेज वेट करते हैं, और अभी 5-10 मिनट में इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी, उसके बाद फिर ना
कैमरा जाके सेट कर देता हूँ यार, कैमरा सेट कर देता हूँ, फिर ये खुद ही उतर कर आ जाएगी ना, ताकि कैमरा सेट करना जल्दी जल्दी कार्रवाई नहीं होगी, कैमरा सेट होगा ना सुकून से काम हो जाएगा अपना। क्या क्या उतर गई, उतर कर आ गई। बबल को डालता हूँ जेब के अंदर और जेब के अंदर से बबल निकालूंगा फिर कार्रवाई शुरू करूंगा। अच्छा कैमरा छुपा हुआ नहीं है, कैमरा मैंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, जस्ट जैसे सिंपल तो रखा जाता है ना, इतना कोई हैवी ड्यूटी प्रैंक नहीं है कि कैमरा छुपा दिया जाए, एक जस्ट सिंपल सी बबल है और उस पर कार्रवाई कर देंगे। बहुत तेज करंट लग रहा है कसम खुदा की, बाय गॉड सच बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इसको ऑर्डर कर लें और मंगा के चेक कर लें कितना तेज करंट लगता है। अगर जो भी करें ना तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में कि इसमें करंट कितना शदीद लगता है। कार रुक गई, आज चलती भाई, ठंडी ठंडी आवाज आएगी आगे भाई। ठंडी ठंडी आवाज आएगी, चलते लड़े मजे से, बच्चे को मेरे ऊपर छोड़ दिया, वो खुद उतर के आ गया। हैं? खुद उतर के आ गया वो। तुम इतनी ठंडी हवा में, मतलब पहले हवा बहुत सी चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है ऊपर, यहाँ नीचे तो इतनी गर्मी हो रही थी, तभी मैं और मम्मी ऊपर बैठे हुए थे। ये कह रहा था नहीं मार रहा पीट रहा, कोई काटना पीटना से लग रहा था वही है। अच्छा कहाँ आ गई? फिर चली गई है, अभी आएगी तो फिर कार्रवाई शुरू करते हैं। A few inches later. अरे बकरा ही दे यार, बच्चे हजारों खेल रहे हैं, मतलब मारा खेलेगा थोड़ी खेल रहा है। नहीं मुस्तफा भी बोर हो रहा है ना, क्या बबल है हमेशा कुछ ना कुछ आगे मांग नियती और हजारों बड़ी फ्रिज में नहीं है, ये तुमने नहीं खाई निकाल लो। करंट वाली मोबाइल ये मैंने ट्रांसफर कुछ नहीं बुला बुला के करते क्या कराओ, खुद ही खुद खाते रहती सारी चीजें, दूसरों को टेस्ट नहीं करवाना, सारी चीजें खुद ही खा के बैठ जाएगी। हाँ सारी चॉकलेट, मम्मी का गला भी खराब है। अरे अच्छी वैसे बहुत मिंट वाली, मिंट वाली गला अच्छी टेस्ट करेगी, अच्छी करंट लगा। अम्मी करंट वाली बबल थी, तेज लगा अहमद को बुलाओ, अहमद अहमद लेकिन अहमद के साथ आप करो, तुम वीडियो बनाओ। मामा एक बबल लेकर आए थे जो हमने तुमसे अभी तक छुपाई हुई, चेक करो। अम्मी के साथ भी किया हमने, पहले वकास ने मेरे साथ ये प्रैंक किया, उसके बाद फिर वकास ने कहा चलो तो मजा आ रहा है बार बार करता हूँ यार, मैं दो दफा करते अम्मी को इतना तेज नहीं लगा था शायद, अच्छा हल्का लगा था, नहीं ना मुझसे नहीं होगा, नहीं पता कर लिया था। एक बार तो करो, अरे करके देखो, एक बार बहुत तेज, एक बार तो करो, एक बार आखिरी लास्ट
डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, अरे 220 का थोड़ी है, फिर भी बहुत तेज है ये। बहुत तेज है नहीं लगा? नहीं, अम्मी ने सही से नहीं, सही से खींचा नहीं। आप ना जो कर रही थे इस तरीके से नहीं मंगाया करें चीजें आप यार, पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर देते हैं, पता ही नहीं होता कुछ। इतना खतरनाक और इतना रैंडम आपने किया कि बंदा सोच भी नहीं सकता था कि आपके साथ कोई प्रैंक हो। लिटरली मैं बताऊं बहुत खतरनाक है, तुम्हारे साथ सही हुआ ना, तुम्हें बताया बहुत तेज था, मेरी चीखें निकल गई। अगर कोई ऐसी चीज होती मेरे हाथ में ना, मोबाइल अगर होता तो गया था वो बेचारा। अल्लाह शुक्र, अल्लाह तेरा वाला मोबाइल नहीं था, वो बेचारा इतना जख्मी हो गया मोबाइल मेरा, गरीब दो यार। छोटे मोटे हंसी मजाक देना, आप लोग भी घर पे करते रहा करें ताकि थोड़ा माहौल चिल रहे और खुशी खुशी जिंदगी गुजरे अल्लाह के हुक्म से। तो वायरल करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग प्रैंक अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।